अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर क्लास, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि आपने अपनी गिग को प्रमोट कैसे करना है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। सोशल मीडिया का बताऊंगा, कोरा का बताऊंगा कि ये दोनों जो उनसे प्लेटफॉर्म्स हैं इसके ऊपर आपने किस तरह अपने गिग को जो उनसे प्रमोट कैसे करना है। सो लेट्स सी कि आप किस तरह कर सकते हैं। यू हैव टू गो ऑन मोर ऑप्शन, मोर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इधर आपका स्केल योर बिजनेस, दिस इज़ द ऑप्शन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आपने क्रिएट कस्टम ऑफर पे जाना है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपके सामने खुलेगा जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद सेलेक्ट गिग है कि आप कौन सी गिग को प्रमोट करना चाहते हैं, फिर उसके बाद हाउ मच वुड यू चार्ज, आपने चार्जेस लिखने हैं, हाउ लॉन्ग विड इट टेक डेज एंड डिलीवरी टाइम एंड दिस इज ऑल, कि कब तक ये एक्सपायर होगी, वो भी टाइम लिखा होगा। तो आपने इधर अपनी सारी डिटेल्स जो हैं वो लिखनी है, उसके बाद आपने सबमिट कस्टम ऑफर, ये एक लिंक बन जाएगा, आपने वो वाला लिंक उठाना है और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लाइक इंस्टाग्राम हो गया, उसके बाद ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन होगी, ये जो उनसे प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के आपने इधर शेयर कर देने हैं। एंड डेफिनेटली कोई भी बंदा जो भी कन्विंस्ड होता है और जो भी आपसे काम करवाना चाहता है वो आपकी गिग के ऊपर वो वाला लिंक के ऊपर क्लिक करेगा और डायरेक्टली वो परचेजिंग वाली साइट पर आ जाएगा। So it is so simple, you have to do like that. Well, most of the people वो क्या करते हैं, वो अपनी ही gig का यूज़र नेम होता है ये जो सा टॉप के ऊपर आपको विजिबल है, ये वाला कॉपी करते हैं और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर कर देते हैं। दैट इज़ नॉट द राइट वे। राइट वे ये है कि आपने क्या करना है, आपने मोर के ऑप्शन पे जाना है, उसके बाद स्केल योर बिजनेस के ऊपर क्लिक करना है, ये वाला इंटरफेस आपके सामने आएगा, आपने जनरेट कस्टम ऑफर इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और ये फॉर्म आप फिल करके जब आप सबमिट दी कस्टम ऑफर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक लिंक आ जाएगा, आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर कर देना एंड इट इज़ गोना प्रमोट योर गिग। सेकंड ऑप्शन इसके अंदर क्या है कि कोरा, कोरा इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर द फ्रीलांसर्स। आप उधर जाके कोई भी क्वेश्चन खुद से इम्पोर्ट कर सकते हैं और आंसर के अंदर आप अपना लिंक पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने जब अपना लिंक पेस्ट करना है, डिफरेंट डिस्क्रिप्शन जो सी ऑलरेडी आपने पीछे गिग के अंदर लिखी हुई है वो आप कॉपी करें, कोरा के ऊपर जाके पेस्ट करें और नीचे लिंक पेस्ट कर दें। सो एक कंप्लीट रिफाइन होके जो सा भी बायर आएगा, जो सा भी रीडर होगा वो एज अ बायर कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे क्लाइंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप कोरा का भी इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करें ताकि आप अपनी गिग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें और ज़्यादा बायर्स आप ला सकें और ज़्यादा अर्निंग इस प्लेटफॉर्म से कर सकें। सो इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोना टॉक अबाउट कि बायर रिक्वेस्ट किस तरह सेंड की जाती है, क्या हमने उसको मैसेज सेंड करना होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल क्या गलती करते हैं और क्या गलती जो उनकी वो हमें नहीं करनी और कैसे हम बायर को अप्रोच कर सकते हैं, उसकी बायर रिक्वेस्ट के ऊपर किस तरह मैसेज कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।